friends. Now we are on chapter number 12. This is the last chapter of module 1 of mass communication. Chapter ka naam radio program production. Radio program production. Ab radio program production which is appearing on page number 147. 147 page mein hamara jo heading hai, that is 12.1, ye heading hai qualities of a radio producer. Qualities of a radio producer. एक radio producer में क्या qualities की ज़रूरत है, कौन सी qualities होनी चाहिए. तो first quality का जिक्र किया गया है, ability to see and hear what is happening around you. Ability to see and hear as to what is happening around you. Iska matlab the radio announcer, the radio programmer should have the ability. Usme ye kabiliyat hona chahiye. Kya kabiliyat? Wo ankahi baaton ko sun sake, andekhi baaton ko samajh sake. खाली वही बात ना करे जो दिख रही है, वो बात नहीं, जो दिख रही है उसके पीछे की हकीकत को भी बयान कर सके. दैट्स द मेन एबिलिटी अ रेडियो प्रोग्रामर शुड हैव. एबिलिटी टू सी एवरीथिंग, एबिलिटी टू हियर एवरीथिंग. अनकही बातें, अनसुनी बातें, अनदेखी बातें भी समझ सके और बयान कर सके. नेक्स्ट कम्स अप, ability to conceptualize ideas. इसका मतलब ये होता है, कई बार हमारे दिलो दिमाग में ideas तो होते हैं, but हम ideas को प्रोटे नहीं कर पाते, ideas को रख नहीं पाते, हमारे पास वैसे शब्द नहीं होते, या idea है, but समझा नहीं पाते. But he should have that idea, he should have that concept, he should have that ability कि वो ideas को बहुत अच्छे तरीके से present कर सके. Next is creativity. Definitely creativity is the, you can say, required in every profession. So a good radio programmer should also be creative. Ab creative ka definition kya hai? Creative wo hai jo ek kaam ko alag tarike se kar sake, ek baat ko alag andaaz se bata sake. Like you see, news aati hai, news to wahi hai, train palt. एक ट्रेन पलट गई, एक प्लेन क्रैश हुआ, हर रेडियो चैनल, हर न्यूज चैनल उस खबर को दिखाता है, बट हर किसी के दिखाने का अंदाज अलग है. सो क्रिएटिविटी वो कॉन्सेप्ट है जब आप एक ही चीज को अलग तरीके से करते हैं, इट इज नोन एज क्रिएटिविटी. फिर आता है अ गुड यूज ऑफ वर्ड्स. अ गुड यूज ऑफ वर्ड्स बहुत जरूरी. अल्टीमेटली आप रेडियो पे हैं, आप जो भी हैं वो बोल रहे हैं और लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं. जो कुछ है वो आपकी आवाज है, जो कुछ है वो आपके अल्फाज हैं. इसलिए क्या है, अ गुड प्रोग्रामर शुड हैव अ ग्रेट वोकैबुलरी. उसकी एक अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए. एंड ही शुड हैव अ, एंड ही शुड ऑल्सो यूज, ही शुड ऑल्सो नो हाउ टू यूज दैट वोकैबुलरी. कौन से वर्ड्स का यूज कहाँ किया जाए उसको ये जानकारी होनी चाहिए. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट हेडिंग है आपका एलिमेंट्स ऑफ अ रेडियो प्रोडक्शन. रेडियो प्रोडक्शन की क्या क्या एलिमेंट्स हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट ऑफ अ रेडियो प्रोडक्शन इज ह्यूमन वॉइस. ह्यूमन वॉइस, पूरा रेडियो खेल ही ह्यूमन वॉइस का है, पूरा रेडियो खेल ही आवाज का है, सब कुछ आवाज है. ह्यूमन वॉइस का ही एक प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट रोल है रेडियो के अंदर. अब यहां पे चाहिए क्या, ह्यूमन वॉइस के साथ यू कैन से एडजॉइंट काफी सारी चीजें हैं. ह्यूमन वॉइस के लिए एक स्टूडियो चाहिए जिसका हमने जिक्र किया था. ह्यूमन वॉइस तो है, बट वॉइस किसी बाहर की वॉइस से डिस्टर्ब ना हो जाए, वॉइस क्लियर हो, वॉइस ऑडियंस तक विदाउट डिस्टर्बेंस पहुंचे, इस सब के लिए एक स्टूडियो. स्टूडियो कैसा होता है हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था. इसके बाद माइक्रोफोन चाहिए. माइक्रोफोन इसलिए जो आपकी आवाज को क्लैरिफाई करेगा, आपकी आवाज को एम्पलीफाई करेगा. तो जो स्पीकर है, जो अनाउंसर है, वो कितना ऊंचा बोलेगा, कब तक बोलेगा. तो अनाउंसर को अपने रेगुलर पेस पे बोलना है, आराम से बोलना है, उसकी आवाज को क्लियर और एम्पलीफाई करने का काम माइक्रोफोन करेगा. अब माइक्रोफोन का बहुत प्रोमिनेंट रोल है रेडियो के अंदर, या पूरे रेडियो वर्ल्ड के अंदर. अब माइक्रोफोन का जिक्र करेंगे. माइक्रोफोन हमने समझा, माइक्रोफोन आवाज को एम्पलीफाई करता है.
डेफिनेटली दे यूज वेरी एडवांस माइक्रोफोन्स, अलग अलग टाइप के माइक्रोफोन्स आते हैं, इसमें एक जिक्र है यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन का, यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन जिसका नाम अपने आप बता रहा है, यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन, ये वही आवाज पकड़ेगा जो इसके सामने रखी जाएगी, आजू बाजू की आवाज ये नहीं पकड़ेगा, यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। डेफिनेटली इसको यूज करने के बहुत तरीके हैं, एक प्रॉपर डिस्टेंस से बात करना है, उसके बिल्कुल सामने आके बात करनी है, बहुत चला के नहीं बोलना है, कितना प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए स्पीकर और माइक्रोफोन के बीच में, दिस ऑल थिंग्स दे आर माइन्यूट बट दे विल रियली वर्क। इसके बाद हमारे पास यूनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन के अलावा दूसरा आता है जिसको बोलते हैं बाय डायरेक्शनल माइक्रोफोन। बाई डायरेक्शनल, ये दो साइडों की आवाज रिकॉर्ड कर सकता है, तो आपको दो दो माइक्रोफोन रखने की जरूरत नहीं है। तो बाय माइक्रोफोन जैसे अपने आप में वर्ड है, ये अपने आप में ही वर्ड क्या है, बाय माइक्रो, बाय का मतलब दो, इन दैट केस सजेस्ट दैट द वॉइस ऑफ अ साउंड इज पिक्ड फ्रॉम टू डायरेक्शन, इट कैन पिक द वॉइस फ्रॉम टू डायरेक्शन। फिर थर्ड माइक्रोफोन का आपकी बुक जिक्र कर रही है ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन, ओमनी का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन बेसिकली यूज किया जाता है जब कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो, ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो तो एक माइक्रोफोन पूरे स्टूडियो में हर कोने की आवाज को पकड़ सकता है, हर कोने की आवाज को कैप्चर करके पहुंचा सकता है, तो इट इज नोन एज ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन। इसके बाद आपने माइक्रोफोन देखे हैं जब आज के टाइम पे टीवी सेट्स के ऊपर वो कॉलर पे लगा के रखते हैं, जिसे आमतौर पे हम कॉलर माइक्रोफोन कह देते हैं, पर इसका रियल नाम जो है वो है आपका लैपल माइक्रोफोन, लैपल माइक्रोफोन, लैपल माइक्रोफोन। इसके बाद आपने टेलीविजन में टीवीज में ये भी देखा है जब टीवी वाले इंटरव्यू लेते हैं, सो दे प्लेस अ बिग माइक्रोफोन इन द फॉर द इंटरव्यू, एक बड़ा सा माइक्रोफोन रख दिया जाता है, जो बड़े माइक्रोफोन्स होते हैं इनको गन माइक्रोफोन का नाम दिया जाता है। ये हमने बात किया कि स्टूडियो में सबसे पहले ह्यूमन वॉइस की जरूरत है, ह्यूमन वॉइस के साथ अटैच क्या क्या चीजें थी, तो पहली चीज हमने बोला ह्यूमन वॉइस के, ह्यूमन वॉइस को लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छा स्टूडियो चाहिए, ह्यूमन वॉइस को लोगों तक पहुंचाने के लिए अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, माइक्रोफोन के हमने टाइप्स पकड़ लिए। अब ह्यूमन वॉइस को रियल अंदाज में, उसके एक्चुअल अंदाज में इमोशंस के साथ पहुंचाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साउंड इफेक्ट्स का भी। साउंड इफेक्ट्स जब रेडियो में स्टोरी सुनाई जाती हैं, रेडियो में कोई डॉक्यूमेंट्री प्रेजेंट की जाती है, वहां साउंड इफेक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दरवाजे के खुलने की आवाज, कोई भूत वाला केस दिखाना हो तो छमछम की आवाज, हवा चलने, हवा चलती है तो हवा चलने की आवाज, दरवाजे के खुलने की आवाज, दरवाजे के नॉक होने की आवाज, इन सब को बकायदा इफेक्ट बना के रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किया जाता है एक स्टोरी के अंदर, ताकि सुनने वाले ऑडियंस को वाकई लगे जो सुन रहा है वो वाकई ही एक इफेक्ट के साथ आ रहा है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऑडियंस की, ऑडियंस का इंटरेस्ट बढ़ाता है उस स्टोरी के अंदर। आगे हम जाएंगे, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो दीज वर द बेसिक कॉन्सेप्ट सेकंड। अब हमने पहले पढ़ा था, हमारा कॉन्सेप्ट था एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन में पहले हमने पढ़ा था ह्यूमन वॉइस, दूसरा था म्यूजिक, थर्ड था साउंड इफेक्ट्स। तो पहला हमने ह्यूमन वॉइस पढ़ लिया, साउंड इफेक्ट्स हमने समझा, अब हम आ रहे हैं म्यूजिक की तरफ। जाहिर है म्यूजिक एक बहुत बड़ी चीज है, एक हीलिंग पावर है म्यूजिक के अंदर, और रेडियोज की पहचान ही कहीं ना कहीं म्यूजिक में पहले सेकंड खबरों में, यानी कि फर्स्ट रोल रेडियो का जब जिक्र आता है तो गाने, संगीत, भजन दूसरा जिक्र, सेकंड स्लॉट पे आपका न्यूज आती है। तो कहीं ना कहीं रेडियो की पहचान म्यूजिक के साथ जुड़ी हुई है, म्यूजिक एक भगवान की देन, एक यू कैन से कॉन्सेप्शन है उसके अंदर, स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर, बहुत बड़ी हीलिंग पावर है म्यूजिक के अंदर। तो म्यूजिक एड्स कलर टू द लाइफ, म्यूजिक एड कलर टू द लाइफ, म्यूजिक कैन ब्रेक एनी मेलोडी, म्यूजिक कैन ब्रेक अप एनी ग्रीफ, म्यूजिक हैज दैट
कॉन्सेप्ट इन लाइफ जो इमोशंस भी इकट्ठा कर लेती है, जो इमोशंस भी पैदा कर सकती है एक इंसान के अंदर। और कहीं ना कहीं हमने जिक्र किया रेडियो को हम सेपरेट नहीं कर सकते म्यूजिक के अलग, या रेडियो को हम म्यूजिक से अलग ही नहीं कर सकते। म्यूजिक और रेडियो की बहुत बड़ी पहचान रही है, या रेडियो म्यूजिक की पहचान बना और म्यूजिक रेडियो के थ्रू पहचान में आया। आगे अब म्यूजिक है, उसके बाद अब इन सब चीजों को फिर हम एक कॉन्सेप्ट आएगा आर्टिफिशियल इको। आर्टिफिशियल इको ये भी आज के टाइम पे हम लोगों को मालूम है। अब आज के टाइम पे ये जो चीजें रियलिटी में होती हैं, आगे हमने बात किया था कि वहां पे कंट्रोल रूम भी है। जो रियलिटी में हो रहा है अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो बाय टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स, बाय टेक्नोलॉजी हम उस चीजों को मॉडिफाई कर देते हैं, करेक्ट कर देते हैं। साउंड इफेक्ट बराबर नहीं आया तो डाल देते हैं, कोई अनप्लेजेंट साउंड या अनवांटेड साउंड आ गई तो उसको हटा देते हैं, एडिट कर देते हैं। आज के टाइम पे जहां मोबाइल का जमाना है, एडिटिंग फिल्टर हम सब लोगों को मालूम है, एक्चुअल चेहरा क्या होता है और फिल्टर होने के बाद वो क्या आपका मोबाइल दिखाता है। तो ऐसे फिल्टर्स जो आज मोबाइल्स की दुनिया में यूज किए जाते हैं, ये फिल्टर्स बहुत साल पहले रेडियो इन्वेंशन के टाइम पे भी यूज किए जाते थे, बट मकसद था एडिटिंग ज्यादा, कि जो कुछ बोलते हुए अगर गड़बड़ हो गई दोबारा रिकॉर्ड ना करना पड़े, उसी को फिल्टर कर दिया जाए, थोड़ा एडिट कर दिया जाए, जिसका भी बहुत प्रोमिनेंट रोल है। आगे हम बात करेंगे रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, ये लास्ट टॉपिक, रेडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन। रेडियो प्रोग्राम का प्रोडक्शन क्या होता है? रेडियो प्रोग्राम का प्रोडक्शन बेसिकली तीन स्टेजेस के अंदर है। सबसे पहला स्टेज है जो समझने जैसा है, जिसको प्री प्रोडक्शन कहते हैं। सेकेंड प्रोडक्शन होता है और थर्ड पोस्ट प्रोडक्शन होता है। पहला प्री प्रोडक्शन, सेकेंड प्रोडक्शन, थर्ड पोस्ट प्रोडक्शन। अब इस प्री प्रोडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। रेडियो अनाउंसर जो मन चाहे जाके सीधा स्टूडियो में बैठ के अनाउंस करना शुरू नहीं कर देता, ही इज वेल प्लान्ड। उसके पास एक बकायदा स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ता है। हाँ, रेडियो अनाउंसर में वो कला है, उसमें वो क्रिएटिविटी है कि वो जो स्क्रिप्ट पढ़ेगा उस स्क्रिप्ट को उस अंदाज से बयान करता है कि लोगों को सुनने में मजा आता है। सो इन दैट केस, बट ही हैज अ स्क्रिप्ट, he has a plan, he has to say defined words, ye sab kaam pre production ke hain। pre production ka bahut important yogdan, jisme sabse pehle idea hota hai, idea ke baad us idea se plan of action banaya jata hai, us plan of action ko baqaida paper mein likhke script banayi jati hai, फिर पेपर वर्क किया जाता है। अब ये चीज अनाउंसर के टेबल पे रखी जाती है, अनाउंसर उस पेपर वर्क के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। दिस इज ऑल स्टेजेस ऑफ प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के बाद आता है प्रोडक्शन। फाइनली नाउ द टास्क इज ऑफ द अनाउंसर। अब अनाउंसर माइक्रोफोन पे बैठा, दो ही हैज अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, ही इज वेल प्रिपेयर्ड व्हाट टू स्पीक on what is the topic for today. Now, ultimately, now comes production. Now he gives the live concert. ये आपका सीधा जाएगा क्लोन रूम के अंदर, एक क्लीनअप रूम के अंदर, वहां से ट्रांसमिटर्स, वहां से finally ऑडियंस तक पहुंचेगा। So this is a stage of production. अब production के लिए कई चीजें तो एकदम transmit कर दी जाती हैं। फिर हमने कहा था अक्सर क्या होता है, स्टूडियो से सीधा ऑडियंस तक चीज नहीं आती, स्टूडियो से कंट्रोल रूम में जाती है। कंट्रोल रूम एडिट करने के बाद, कुछ करने के बाद ट्रांसमिटर टू द रेडियो सेट। ये स्टेजेस हैं। अब प्रोडक्शन तो हो गया, प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्शन हुआ, अब ये दिखाना कब है? जो आज हमने टेलीकास्ट लिया, जो आज हमने रेडियो प्रोग्राम प्रोड्यूस किया, ये कब शो करना है? आज शो करना है, कल शो करना है, शाम को शो करना है, रात को दिखाना है। ये चीजें अब निर्धारित होंगी किसके अंदर? पोस्ट प्रोडक्शन प्लान के अंदर। पोस्ट प्रोडक्शन प्लान बकायदा प्लानिंग के चलती है। जैसे आज के टाइम पे न्यूज़पेपर्स अगर आप खोलेंगे तो न्यूज़पेपर्स में आता है जी सिनेमा पे आज शाम को कौन कौन सी मूवीज आएंगी,
कौन कौन से प्रोग्राम स्टार प्लस पे आएंगे, वैसे ही रेडियो का भी आता है। रेडियो क्या ब्रॉडकास्ट करेगा, 8 बजे क्या होगा, 9 बजे क्या होगा, 10 बजे क्या ब्रॉडकास्ट होगा, रात को 1 बजे क्या ब्रॉडकास्ट होगा, बकायदा दे हैव अ प्लान, दे वर्क अकॉर्डिंग टू प्लान, दैट इज अ केस ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन, जिनका काम पोस्ट प्रोडक्शन का बेस लेना है। आगे हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज राइटिंग फॉर द रेडियो। राइटिंग फॉर द रेडियो मेन 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एज आई टोल्ड यू, अनाउंसर का काम है, ही इज ब्लेस्ड, ही हैज अ क्रिएटिविटी टू स्पीक, उसके पास क्रिएटिविटी है, एक अंदाज है, उसके पास अल्फाज हैं कि वो बहुत अच्छे से एक चीज को बयान कर सकता है, वो स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। बट स्टोरी क्या है, स्टोरी कैसे लिखी जाएंगी, कौन से वर्ड्स बोले जाएंगे, ये सब काम है पेपर वर्क का, ये सब काम है स्क्रिप्ट राइटर का, ये सब काम है जहां पे स्टोरीज लिखी जाती हैं, जिसको हम बोलेंगे राइटिंग फॉर द रेडियो। सो राइटिंग फॉर द रेडियो के अलग लोग होते हैं, दे आर स्पेशलाइज्ड पीपल हु राइट फॉर द रेडियो, हु मेक प्रोग्राम फॉर द रेडियो, हु राइट स्क्रिप्ट फॉर द रेडियो। सो दीज आर द बेसिक टास्क, जिनमें बहुत बड़ा योगदान है, ये ना होता तो शायद रेडियो नहीं होता। तो अल्टीमेटली इनका मेन योगदान, सो ए पर्सन स्पीक्स द स्क्रिप्ट, तो पर्सन वो स्क्रिप्ट बोलता है जो पहले से लिखी गई है, हमें भले ही लगता है वो हमसे खुद बात कर रहा है, बट ऑल थिंग्स आर स्क्रिप्टेड, तो जिसकी बहुत बड़ी जरूरत है। अब आगे इसने बोला, वो जो राइटर है, भले ही वो एक बैक फेस है, नजर नहीं आ रहा है, बट प्रोमिनेंट रोल तो उसका है, अनाउंसर तो उसकी बातों को आप तक पहुंचा रहा है, हम तालियां तो बजा रहे हैं, उस स्पीकर के लिए तो बजी रही हैं जो इस अंदाज में पेश कर रहा है, बट वो अल्फाज तो किसी और के हैं। अब उसको कैसे अल्फाज लिखने चाहिए, यहाँ पे क्वालिटीज हैं। सबसे पहले ही शुड वर्क आउट, ही शुड राइट सिंपल वर्ड्स, सिंपल वर्ड्स लिखे, ही शुड प्रेजेंट द आइडिया जितना हो सके सिंपल तरीके से, हो सके एब्रीवेशन यूज ना करें, हो सके ही शुड गिव अ स्क्रिप्ट का एक बकायदा स्क्रिप्ट को पेज नंबर्स होने चाहिए, ताकि अनाउंसर को पढ़ते हुए प्रॉब्लम ना हो। वाइल रेफरिंग टू वन पर्सन, एक पायलट सर्वे होता है, वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक बकायदा पायलट सर्वे ले, इससे पहले कि वो डायरेक्टली ऑडियंस तक जाए। सेंटेंस बहुत शॉर्ट होने चाहिए, सेंटेंस बहुत सिंपल होने चाहिए, आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे और चीजें हैं जो एक राइटर को याद रखनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए व्हाइल राइटिंग फॉर द रेडियो। एंड विद दिस वी कम टू द एंड टू द लास्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल 1। थैंक यू।